एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के संग शेयर करूंगी सिंपल और इजी आलू और ब्रेड का सैंडविच या फिर ब्रेड पकौड़ा, बेसन का ब्रेड पकौड़ा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इसे शाम को नाश्ते में चाय के साथ खा सकते हैं। इस कप का मैंने 2 कप लिए है बेसन। हम अच्छे से छान लेंगे। छानने से हमारी जो बैटर बनेगी वो बिल्कुल स्मूथ बनेगी। आप भी एक बार ज़रूर छान लीजिएगा। तो बेसन को अच्छे से छानने के बाद इसमें मैंने उसी कप का ले लिया है 1 कप मैदा। मैदा ऐड करने से आपके जो पकौड़े बनेंगे वो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और एक गाढ़ा सा बस घोल बना लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो मसाले हमें लगेंगे वो ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिए है पहले से पकौड़े फ्राई किए हुए तेल, लगभग 2 चम्मच मैंने ऐड किए हैं, बिल्कुल ठंडे ही है अभी। आप चाहे तो तेल को गर्म करके ऐड कर सकते हैं या फिर मेरी तरह पुरानी तेल भी ले सकते हैं। 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आप ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। अगर आप लहसुन के बिना ही बनाना चाहते हैं तो सिर्फ अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी जो बैटर है बिल्कुल रेडी है। तो आलू का जो स्टफिंग है उसे बनाने के लिए मैं 2 चम्मच ले लूँगी सरसों का तेल और 1 टीस्पून नमक, 1/2 चम्मच जीरा, इसके अलावा 2 कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन और टमाटर, धनिया पत्ता लिए हैं मैंने। पहले तो मैं प्याज को ऐड कर दूंगी और प्याज को मीडियम टू हाई हीट पर हल्की सी ब्राउन हो जाने तक बस फ्राई कर लूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज जब हमारे फ्राई हो जाएंगे इसमें हम हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और अदरक लहसुन कद्दूकस किया हुआ मिक्स करेंगे। प्याज, अदरक लहसुन और हरी मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेंगे हाई हीट पर। अब इनमें हम जो टमाटर और धनिया पत्ता है उसे ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। सूखे मसाले ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा जीरे का पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर देंगे इन सबको। 1 चम्मच इसमें पानी ऐड कर देंगे जिससे हमारे मसाले जो हैं वो जलेंगे नहीं। हाई हीट पर कुछ सेकंड्स के लिए बस फ्राई करेंगे। उसके बाद इन मसालों को मैं हल्का सा मैश कर लूँगी। अगर आप पेस्ट ले रहे हैं तो आपको मैश करने की ज़रूरत नहीं है, पेस्ट या फिर कद्दूकस किया हुआ भी ले सकते हैं आप। तो मसाला मेरा अच्छे से भून चुका है, इसमें अब बॉईल किए हुए आलू ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 7 से 8 आलू लिए हैं जिनको अच्छे से बॉईल करके हाथों से मैश कर लिए थे पहले ही। इनको मैं ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फ्लेम को इस समय लो पर रखें, नहीं तो मसाले जो हैं वो जल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे आलू और मसालों को। हम हाई हीट पर 2 से 3 मिनट के लिए बीच बीच में चलाते हुए फ्राई कर लेंगे जिससे आलू हमारे अच्छे से मसालों के साथ भून जाए और अच्छा टेस्ट आए। तो आलू हमारा रेडी है, स्टफिंग का आलू। इसी आलू से आप और भी पकौड़े या फिर सैंडविच बना सकते हैं या फिर आलू की कटलेट्स भी बना सकते हैं। आलू जब ठंडा हो जाए उसमें मैंने 1 मुट्ठी के करीब धनिया पत्ता चॉप करके ऐड किए हैं और थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किए हैं जो कम पड़ रहे थे मेरे। आप एक बार टेस्ट करके उसके बाद ज़रूरत पड़े तो ऐड करें। तो मैंने अच्छे से बस मिक्स कर लेंगे हम। ब्रेड लेंगे, ब्रेड के 1 स्लाइस में हम जो आलू का मसाला है हमारा उसे लगा लेंगे और दूसरी वाली में नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से जो ब्रेड है उसको हम आलू के ऊपर चिपका देंगे। आप कोशिश कीजिएगा जो ब्रेड का आलू है उसको आप बीच में ज़्यादा लगाएं और साइड्स में हल्का हल्का करके छोड़ दें। मैंने तेल चढ़ा दिए है
और तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। ब्रेड का जो साइड्स है इसको हम पहले तो बेसन में डिप कर देंगे, उसके बाद उसे अच्छे से हम बेसन में कोट करके फ्राई करेंगे। लो मीडियम हीट पर आप ब्राउन हो जाने तक बस फ्राई कर लीजिए, जैसे ये अंदर से भी फ्राई हो जाए और बाहर से भी हल्की सी ब्राउन होने तक आप इन्हें फ्राई कर लीजिए मीडियम टू हाई हीट पर 2 से 3 मिनट के लिए। अब इन्हें हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी नाश्ता है, आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें और इसे हम गर्म ही सर्व करेंगे। बीच से आप काट लीजिए, केचप के साथ या फिर चटनी के साथ खाएं। शाम को नाश्ते में ज़रूर एक बार ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच।